मेरा वार्ड मेरी समस्या में बात करेंगे नयापुरा चंबल पुलिया की, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। आए दिन वाहन सवार इस पर गिर रहे हैं। चंबल पुलिया पर सड़क निर्माण में लगे बड़े पत्थर भी बाहर आ चुके हैं, जो कि सड़क पर ही पड़े होने के कारण वाहन सवार उनसे टकराकर गिर जाते हैं। लोहे के सरिये बाहर निकल चुके हैं। यह चंबल पुलिया कुन्हाड़ी से नयापुरा को जोड़ती है, जिसका निर्माण कार्य कुछ साल पहले ही हुआ था। लोगों का कहना है कि इस तरह का घटिया निर्माण कार्य होने के कारण पुलिया पर थोड़ी सी बारिश में ही गड्ढे हो जाते हैं। पूर्व में कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से इन गड्ढों का पेच वर्क भी किया गया था, लेकिन वह भी नाकाम साबित हुआ। इस पुलिया से रोजाना निकलने वाले वाहन सवारों का कहना है कि कई बार लोगों को दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उठाकर ले जाना पड़ता है। बारिश के पानी में पुलिया पर हो रहे बड़े गड्ढे दिखाई नहीं देते और इस पर गाड़ी जंप कर जाती है। इसको लेकर अदालत में जनहित याचिका भी लगाई जा चुकी है। ये नयापुरा से कुन्हाड़ी आने वाली पुलिया है। यहाँ गड्ढे, जैसे पानी आता है गड्ढे हो जाते हैं, कोई फिसलता है इधर सामने से गाड़ी आ जाती है, बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे। पानी भर जाता है, दिखाई नहीं देता। हाँ, दिखाई नहीं देता। और नाइट में तो लाइटिंग की भी दिक्कत है। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ गड्ढे सही होने चाहिए। यहाँ के रोज निकलना होता डेली बच्चों को रहा है, उसमें तो गड्ढे हो रहे हैं। प्रशासन को नहीं दिखता तो उसका हम भी क्या करें? नेता निकलते हैं बड़े बड़े, उनको नहीं दिखता। लोग गिरते हैं, पड़ते हैं, रोज उठाते हैं, दिन में चार चक्कर काटते हैं, कैसे निकलते हैं? पानी भर जाता है, गाड़ियों से छिटते हैं लोग, कपड़े खराब होते हैं। गड्ढों में पानी भर जाता, दिखते नहीं है तो दिखता नहीं है लोगों को, नहीं दिख रहा। लोगों को तो दिख रहा है, लोगों को तो परेशानी, उनको दिख रहा, बाकी प्रशासन को नहीं दिख रहा, बड़े बड़े नेताओं को नहीं दिख रहा। इसका होना चाहिए, चंबल मेन पुलिया है तो इसका तो इनके अधिकारियों को देखना चाहिए, इनके अधिकारियों को पता होना चाहिए ना भाई। वो निर्माण कराते हैं, साल में रख रखाव के लाखों रुपए खर्च होते हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं भाई। किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं भाई? किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? देख रहे किस तनख्वाह ले रहे हैं? काम करवाने की तनख्वाह ले रहे हैं, मिट्टी भरा देते वापस निकल जाती है, मिट्टी भरा देते वापस निकल जाती है। हालात तो खराब है साहब। एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार? कितनी बार हो गए साहब? हमने कितनी बार उठाया लोगों को यहाँ से? बेचारे बच्चे गिर जाते हैं, औरतें गिर जाती है। खराब है, गड्ढे हैं, क्या कहेंगे आप? सर, ये ध्यान नहीं रखते गवर्नमेंट, यहाँ की ध्यान नहीं देती, इस पर ध्यान देना चाहिए। रोज गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी इस पर ध्यान देना नहीं दे रही है। अब यहाँ से कितने साधन निकलते हैं? नयापुरा की मेन पुलिया है कोटा के अंदर जाने की, यहाँ से अंदर जाएगा जो भी जाएगा। सुरेंद्र सिंह सोलंकी। यहाँ बहुत गड्ढे हो रहे हैं, बहुत खराब हालात हो रही है, परेशान हो रहे हैं ड्राइवर, क्या सारे भी वाहन परेशानी है, पत्ते टूट जाते हैं कबाड़ी के। बढ़िया होने चाहिए ये। कौन सी पुलिया है ये? चंबल पुलिया। तो रोज निकलना होता है आपका? रोज निकलना होता है सर। नाम बताया आपका? लालचंद। गड्ढे हो चुके हैं, चंबल पुलिया है, इसमें भी काफी गड्ढे हैं, क्या कहेंगे? शहर में जो गड्ढे हो रहे हैं, इस पहली बरसात में ही इस गड्ढों की हकीकत सामने आ गई थी। सड़कों में क्या मटेरियल लगा था, वो पहली बरसात में जब बहुत हल्की फुल्की तभी हो गई थी, और चेतावनी थी कि इन छोटे छोटे गड्ढों को ठीक कर लें, लेकिन उनको नहीं ठीक किया और आज ये विकराल रूप ले चुके हैं। आप देखिए, अभी लैंडमार्क सिटी में देख लें, चाहे आप यहाँ देख लें या अंटागढ़ चौराहे पर देख लें, अंटागढ़ चौराहे पर अगर एक टू व्हीलर वाला फंस जाएगा तो बिना गिरे हुए वो आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसी स्थिति में अब जब है, नगर निगम यूनिट टैक्स पे पूरा जोर लगा रही है, घर घर में जाकर के वो आतंक फैला रही है, उसके बावजूद जो है स्थिति ये बन रही है कि नगर के विकास के ऊपर ना तो केडीए ध्यान दे रहा है, और अगर दे भी रहे हैं तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर दे रहे हैं। और मेरी तो मतलब प्रशासन से ये निवेदन है, विनम्र निवेदन है, कि अगर एक भी हादसा अगर आपने इन गड्ढों की वजह से अगर रोक लिया तो आपका विभाग का यहाँ होना सार्थक रहेगा, अन्यथा अगर दुर्घटना तो हो ही रही है, लोग अपने भाग्य को कोसते हुए चलते रहते हैं और अपने मंजिल को न जाने किस तरह से पार करते हैं। यहाँ पे अभी वर्तमान देखिए, बूंदी शहर को और कोटा शहर को जोड़ने के लिए एक पुलिया बनी हुई है, रियासतकालीन भी है और एक नई भी बनाई गई है, लेकिन इस पुलिया की वर्तमान स्थिति आप देखें तो बदतर हालत है। और ये बदतर हालत इस कारण हो जाती है कि बरसात के दिनों में आप देखो इस पुलिया पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, और ये गड्ढे इस प्रकार हैं कि जानलेवा साबित हो सकते हैं, कहने और करने
अलग अलग बातें हैं। जब तक जिम्मेदार अधिकारी धरातल पर नहीं उतरेंगे तब तक ये होने वाले